हे दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। तो आज मेरे पास काफी सारे कमाल के अपडेट्स हैं, स्पेशली डीमन स्लेयर को लेकर हमारे पास आज काफी अच्छा अपडेट आया है। साथ साथ क्रंची रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्रंची रोल वाले आजकल बैक टू बैक हिंदी डब एनिमेज ला रहे हैं। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें, जो की आता है काडोकावा न्यू टाइप एनिमे अवार्ड को लेकर। तो इसको एक तरह से कह सकते हो कि ये काडोकावा का न्यू टाइप एनिमे अवार्ड है। जैसे कि हम लोग याद ही है कि क्रंची रोल वालों ने अपना एक एनिमे इवेंट किया था, जहां पे उन्होंने काफी सारे अलग अलग एनिमे को सेलेक्ट किया था कैटेगरीज में। इसलिए इस एनिमे अवार्ड वाले इवेंट के अंदर भी हम लोग को काफी सारे कैटेगरीज में विनर देखने मिले हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करें काडोकावा न्यू टाइप एनिमे अवार्ड के मेल कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस एनिमे के टॉप 3 मेल कैरेक्टर जीते हैं इस लिस्ट में। साथ ही साथ हम लोग बात करिए अब फीमेल एनिमे कैरेक्टर के विनर के बारे में, कि फीमेल में कौन कौन से एनिमे कैरेक्टर विनर हुई है। तो यहाँ पर टॉप 3 फीमेल कैरेक्टर्स के नाम है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करिए बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो ऑफ द ईयर के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आया है प्रोडक्शन आईजी, और दूसरे नंबर पे है सीवाई गेम्स पिक्चर्स, और तीसरे नंबर पे है हमारा अफोर्डेबल। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें काडोकावा न्यू टाइप एनिमे अवार्ड के बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर के बारे में, कि ये अवार्ड किसको मिला है। तो इस साल का जो बेस्ट एनिमे का अवार्ड मिला है वो मिला है बुची द रॉक को। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, बुची द रॉक को ही इस साल का बेस्ट एनिमे घोषित कर दिया गया है इस एनिमे अवार्ड में। तो यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज में एनिमे अवार्ड सभी को मिला है, क्या आप लोग इस पे एग्री करते हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करें ब्लू एग्जॉस्ट के एनिमे सीक्वल के बारे में, जिसका नाम होने वाला है शिमेनाई इल्यूमिनाटी सागा, जिसका एक न्यू ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जो कि आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही हम लोग बात करें कि हम लोग को कब तक देखने मिलेगा, तो ये हम लोग को देखने मिलने वाला है जनवरी 2024 में। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है स्पाइक्स फैमिली की मूवी को लेकर। तो स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की जो एनिमे मूवी आने वाली है, उसका एक मेन विजुअल पोस्टर हम लोग के सामने आ चुका है, जो कि आप लोग भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि इस मूवी के अंदर जो थीम सॉन्ग को यूज किया जाएगा, वो थीम सॉन्ग बनाने वाले हैं सोल सूप। साथ साथ हम लोग बात करें कि ये जो मूवी है वो हम लोग कब तक देखने मिलेगी, तो ये मूवी जापान में रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर को। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है बॉटम टायर कैरेक्टर टोमोजाकी के सीजन 2 को लेकर, जिसका एक न्यू की विजुअल आप लोग के सामने है। साथ ही साथ ये जो एनिमे है वो स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2024 में। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड के एनिमे को लेकर। तो इस एनिमे का जो सीजन 2 है वो पहले तो अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके इसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जुजुत्सु कैसेन के एनिमे को लेकर। तो जैसे कि हम लोग बताया कि हम लोग जुजुत्सु कैसेन के सीजन 2 के अंदर शिबुया इंसिडेंट आर्क के अंदर पहुंच चुके हैं, और जहां तक हम लोग बात करें कि कब तक चलेगा, तो ये हम लोग को 2 महीने तक और चलेगा। और इसका मतलब यही है कि आज से 2 महीने के अंदर शिबुया इंसिडेंट आर्क खत्म हो जाएगा, जो कि अब 2 महीने में खत्म होगा। तो मेरे हिसाब से शायद आप लोग इसको एंजॉय करते ही होंगे, और देखने के मेरे हिसाब से आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, हिंदी, जापानी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मतलब कोई में भी देख सकते हो, इसलिए आप लोग इसको आराम से एंजॉय करो। और हम लोग यहाँ पर बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। तो टीजिंग मास्टर टकागी-सान का जो न्यू स्पिन ऑफ मांगा आने वाला है, उसको लेकर हमारे पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। जैसे इसके अंदर कुल मिला के 10 चैप्टर होंगे, और ये जो इस सीरीज की स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है 10 नवंबर 2023 में। साथ इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट मांगा अपडेट के बारे में बात करें, जो कि आता है रेंट अ गर्लफ्रेंड के मांगा को लेकर। तो रेंट अ गर्लफ्रेंड के वॉल्यूम 1 से लेकर 34 के अंदर 11.1 मिलियन कॉपी सर्कुलेशन हो चुकी है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को लेकर। तो एओटी के फाइनल सीजन का फाइनली हम लोग को फाइनल ट्रेलर देखने को मिल चुका है। साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि जो एओटी का नया ट्रेलर आया था, उसके बाद एओटी लिटरली इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रहा था, और ये लिटरली ट्विटर के ऊपर इंडिया के अंदर टॉप पर रैंक कर रहा था। जो की सच बताऊं तो यार, ये सब देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रंचीरोल वालों को भी देखना चाहिए कि एओटी जैसा एनिमे इंडिया के अंदर कितना ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। और अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, मेरे हिसाब से उन लोगों को एओटी ले आना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन लोगों ने एओटी नहीं लाया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि शायद एओटी हम लोगों को अगले साल तक देखने को मिले। हालांकि यहाँ पर एओटी के ही तक अपडेट्स नहीं थे, एओटी के अभी और भी अपडेट्स है। जैसे कि जो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड के अंदर जो हम लोग को ओपनिंग देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा साइगो नो क्योजिन, जिसको परफॉर्म करने वाले हैं लिंक हॉरिजन। और लिंक हॉरिजन बेसिकली वही लोग हैं जिन्होंने एओटी के सीजन 1 के भी ओपनिंग को परफॉर्म किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग इस एपिसोड के एंडिंग सॉन्ग के बारे में बात करें, जिसका नाम होने वाला है लेट रसाई, और माफ कर देना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुई होगी, लेकिन इसका नाम कुछ इसी तरीके से है। और यहाँ पे जो इस फाइनल एपिसोड का एंडिंग सॉन्ग होगा, उसको परफॉर्म करेंगे AI हिगुची, जो कि इन्होंने पहले भी एओटी का एक बहुत ही कमाल का एंडिंग सॉन्ग को परफॉर्म किया था, जो कि मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे एंडिंग में से एक है, जिसका नाम आप लोग को स्क्रीन पर दिखता ही होगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। हालांकि यहाँ पर एओटी के फाइनल एपिसोड को लेकर अभी एक और सरप्राइज बचा हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग इस अपडेट को सुनने के बाद चौंक जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो एओटी का फाइनल एपिसोड है वो अभी भी प्रोडक्शन के अंदर है, जो कि मुझे पता है कि आप लोग यही कहोगे कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब अभी एओटी का एपिसोड का ट्रेलर आ चुका है, तो यहाँ पर फाइनल एपिसोड अभी भी प्रोडक्शन में कैसे हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर तुम उनके ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हो, जहाँ पे वो लोग खुद कह रहे हैं कि एओटी का लास्ट एपिसोड अभी प्रोडक्शन में है। और बेसिकली यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ प्रोडक्शन के लिए बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस साउंड
साउंड वर्क का काम चल रहा है और यहाँ पे साउंड वर्क भी जो है वो अपने फाइनल स्टेज पर आ चुका है जो कि कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। और यहाँ पे लिटरली इन एनिमेटर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यार ये लोग फाइनल एपिसोड के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। मतलब सच कहूँ तो यार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और पायरेसी करके अगर कोई देखेगा तो यार बहुत ज्यादा बुरा लगेगा फिर। लेकिन स्टिल यहाँ पर इंडिया वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए शायद हम लोगों को फिर वही करना पड़े। हालांकि यहाँ पर आप लोग यूटी के फाइनल एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है ताकेशी कासल को लेकर। तो ताकेशी कासल जो आप लोगों ने बचपन के टाइम में शायद पोगो में देखा ही होगा और अगर आप लोग इस शो को मेरी तरह ही मिस कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि ताकेशी कासल अमेज़न प्राइम पर वापस आने वाला है। और ताकेशी कासल वो मैं पुराने वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जापान में ताकेशी कासल को फिर से रिबूट बनाया गया है जहाँ पे ताकेशी कासल आप लोगों को नए टच के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ताकेशी कासल के अंदर आप लोगों को सारे वही पुराने कास्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं वॉइस आर्टिस्ट वाले बात नहीं कर रहा हूँ, जो ताकेशी कासल के अंदर हम लोग को देखने को मिलते थे सारे जापानीज लोग वो सारे ही लिटरली इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इंडिया के अंदर इसको अमेज़न प्राइम लाने वाला है 2 नवंबर से, वो भी हिंदी डब के साथ। और यहाँ पे आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करने लगना कि ताकेशी कासल आ रहा है तो शायद इसको हिंदी में जावेद जाफरी सर ही आवाज दे क्योंकि यहाँ पे ओल्ड वर्जन वाले ताकेशी कासल में जावेद जाफरी सर की ही आवाज थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अमेज़न प्राइम के लिए जो ताकेशी कासल को हिंदी में वॉइस देंगे जो कि टीटू मामा की वॉइस में इसको नरेट करेंगे। और इसीलिए अगर आप लोग इस ताकेशी कासल को देखना है तो आप लोग इसको 2 नवंबर से अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैं सच कहूँ तो ताकेशी कासल आ रहा है तो मैं चाहता था इसको जावेद जाफरी सर ही डब करें क्योंकि जब तक जावेद जाफरी सर की वॉइस सुनने को नहीं मिलेगी ताकेशी कासल के अंदर तब तक ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं ताकेशी कासल देख रहा हूँ। इसलिए सच कहूँ तो मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको जाके जरूर देखना। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को कौन सा ताकेशी कासल पसंद है, पुराना वाला या फिर नया वाला, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है क्रंचीरोल इंडिया को लेकर। तो क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर हमारे पास काफी सारे अपडेट्स आए हैं जैसे कि माय टाइनी सेंपाई के जो सभी एपिसोड्स हैं वो अब हिंदी डब के साथ अवेलेबल है क्रंचीरोल पर जो कि आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही इसके अलावा बात करें क्रंचीरोल के कुछ न्यू हिंदी डब एनिमेस के बारे में जैसे फ्रेड एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड की जो सीरीज है वो अब हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रही है क्रंचीरोल पर और सिर्फ हिंदी के साथ ही नहीं ये आप लोगों को तमिल डब में भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो एनिमे सीरीज है इसके 1 से लेकर 4 एपिसोड सभी हिंदी और तमिल में अवेलेबल है जो कि मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग इसको जाके जरूर चेकआउट करना है। हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने कुछ और एनिमे भी हिंदी डब में अनाउंस किया है जैसे कि आई शैल सर्वाइव यूजिंग पोशन का जो एनिमे है वो अब आप लोगों को हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगा क्रंचीरोल पर। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करें अपने तमिल और तेलुगु डब फैंस के बारे में तो उनके लिए भी यहाँ पर मेरे पास काफी अच्छी न्यूज है जैसे कि कपल ऑफ कुकूस का एनिमे तमिल और तेलुगु डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है क्रंचीरोल पर तो आप लोग चाहो तो इस एनिमे को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि क्रंचीरोल के ऊपर अभी कौन कौन से एनिमे हिंदी तमिल और तेलुगु में आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें उनके कुछ लीक्स के बारे में जैसे कि हम लोग पता है कि विनलैंड सागा की सीजन 1 की डबिंग चल रही है क्रंचीरोल पर और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हम लोगों को पता चला है कि विनलैंड सागा की सीजन 1 की आधी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है हिंदी में जो कि होप करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी डबिंग कंप्लीट हो और हम लोग को ये जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। हालांकि यहां पर मैं आप लोग बता दूं कि क्रंचीरोल वाले एक और एनिमे को भी हिंदी डब में लाने वाले हैं जिसका नाम है आई गॉट ए चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड ब्ला 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 ब्ला। तो इसी से कई एनिमे की हिंदी डब के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है तो यहां पर क्रंचीरोल वाले तो अभी काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, वो लोग बहुत सारे एनिमे हिंदी डब में ला रहे हैं जो कि होप करता हूं कि फ्यूचर में भी वो लोग हमारे ऐसे हिंदी डब एनिमे लाए। हालांकि आप लोग मुझे पता है कि आप लोग इस कई एनिमे से खुश नहीं हो लेकिन होप करते हैं कि क्रंचीरोल वाले कुछ शोनेन एनिमेस भी डब कर दे। हालांकि यहां पर आप लोग के ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है वन पीस एनिमे को लेकर। तो वन पीस एनिमे का एपिसोड 1081 आ चुका है और इस एपिसोड के साथ फाइनली वन पीस एनिमे जो है वो अपने फाइनल सागा के अंदर एंटर कर चुका है। और फाइनल सागा का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को वानो आर्क के बाद कोई और आर्क देखने को मिलेगा ही नहीं वन पीस के अंदर, ये वन पीस का एंड है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाइनल सागा को लेकर काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि क्या वानो आर्क आखिरी आर्क होगा वन पीस एनिमे का, जो कि यहां पर मैं आप लोग डाउट क्लियर कर देता हूं कि ये वन पीस एनिमे का फाइनल सागा है फाइनल आर्क नहीं क्योंकि यहां पे सागा और आर्क बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आर्क एक सिंगल आर्क को कहा जाता है और सागा का मतलब होता है जिसके अंदर काफी सारे आर्क हो, मतलब एक सागा के अंदर 2-3 आर्क 4-5 आर्क ऐसे कुछ देखने को मिल जाए आप लोगों को। और यहाँ पे वन पीस एनिमे अपने फाइनल सागा में पहुंच चुका है यानी यहाँ से वन पीस एनिमे जो है वो अब थोड़ा सा और इंटेंस होता चला जाएगा और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज आने वाली है वन पीस एनिमे के अंदर जो कि मांगा रीडर्स को पता ही होगा। और यहाँ पे बात करें कि वन पीस के मांगा के अंदर फाइनल सागा कितने चैप्टर तक चलेगा तो देखो ओडा सेंसेई के हिसाब से 70% वन पीस की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 30% बहुत कम बचा है। इसलिए हो सकता है कि इस फाइनल सागा के अंदर हम लोगों को 4 या 5 आर्क देखने को मिले। हालांकि यहाँ पे जो वन पीस के फैंस है वो काफी ज्यादा उदास हो गए होंगे क्योंकि हो सकता है कि वन पीस की सीरीज 6-7 साल बाद जाके खत्म हो जाए। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है डीमन स्लेयर के एनिमे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे फाइनली डीमन स्लेयर के एनिमे को लेकर हमारे पास एक न्यू अपडेट आ चुकी है। और सच कहूं तो ये कोई अपडेट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर डीमन स्लेयर एनिमे की जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो रिवील होने वाली है 10 दिसंबर को। अब हालांकि यहाँ पे डीमन स्लेयर के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे इस न्यूज को सुनने बाद क्योंकि
यहाँ पे फाइनली डिजिमस एनीमे को लेकर भी अपडेट आने वाला है। और अब क्या अपडेट होगा क्या नहीं वो तो मैं आप लोगों को 10 तारीख को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकता है कि वो लोग शायद मूवी अनाउंस कर दे डिजिमस की, क्योंकि यहाँ पे पता है कि डिजिमस की मूवीज को लेकर ऑलरेडी लीक्स आ चुकी है कि इन्फिनिटी कैसल आर्क जो होने वाला है वो पूरा मूवीज में कवर होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद सीजन 4 का हम लोग को कोई टीजर वगैरह देखने को मिल जाए। हालांकि उस दिन तो शायद कुछ भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग क्या लगता है क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ साथ यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।